सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग वंस अगैन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वी के डेवलप्स। ऑफ गाइज, आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये रही हमारी मॉन्स्टर भाई NS 200। तो भाई आज इसको गाइज हम राइड करने वाले अच्छे से, व्लॉग शूट करने के लिए। गाइज मैं घर से फटाफट भाई जल्दी निकल चुका हूँ, टाइम बज रही भाई 6:30। तो चलो निकलते हैं और भाई आज इसको ना गाइज राइड करेंगे। और मेरा कुछ नेक्स्ट संडे का भी प्लान है, तो राइड करते हैं इसको। देन आपसे काफ़ी सारी बातें करनी है जयपुर वाली राइड के ऊपर, जो कि हमने अपनी जयपुर वाली राइड कंप्लीट की है ना, उसको कंप्लीट करने में हमें कितना ज़्यादा इशू आया या फिर नहीं आया है। रेदर देन स्कूटी के मुकाबले अगर हमारे पास यही बाइक होती ना, तो हमें कितना इजी होता नहीं होता, ये सारी चीज़ आपके पास थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर भाई, उनको पता कि हमारे पास NS 200 मॉन्स्टर थी बहुत पहले। इसके ऊपर गाइस हम ब्लॉग बहुत कम बनाया करते थे, बट कुछ नए सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े पड़े, उनको नहीं पता कि भाई हमारे पास बाइक भी है। तो गाइस आप लोग बता दो भाई, मेरे पास यस भाई अपनी खुद की बाइक है NS 200, वो भी हमारी न्यू थी, 2017 का मॉडल है, BS4 मॉडल। उसको मैं कभी कभी चलाता हूँ, बाकी बात भाई ये घर पे रहती है। स्कूटी मैक्सिमम चलाता हूँ क्योंकि उसका मेंटेनेंस ना थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और इसको भगाने में मजा तो आता है, लेकिन भाई इसको मेंटेन करने में पैसा ज्यादा लगता है। आप लोग भाई वीडियो क्वालिटी बता देना कैसी आ रही है, क्योंकि अब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा था भाई, जो क्वालिटी अपना 2.7K पे मैं शूट कर रहा हूँ। पहले जितनी भी वीडियो थे मैंने GoPro से भाई 1080 पे शूट किया, मैंने क्वालिटी बढ़ा दी, तो आप लोग बताना एक और कैसा लग रहा है। तो चलो थोड़ा इसको खींचते भाई, जब भी गाइस क्या मस्त बाकी देखो साउंड, माय गॉड भाई छूटते ही 97 जा रही है, 96 जा रही है भाई। तो बीस्ट तो गाइस है, एक खतरनाक बीस्ट है, क्योंकि BS4 मॉडल हो भी NS 200, तो मतलब तहलका कर देने वाली है भाई ये मशीन। तो मैं बात कर रहा था गाइस, देखो अपने को जो जयपुर वाला राइड रहा ना, उसके ऊपर भाई स्कूटी को लेके भाई अपने को बहुत सारे दिक्कत देखने को मिली है यार। दिक्कत इन दी सेंस की देखो भाई, अपने पास ना जितनी भी स्कूटी थी ग्रुप में भाई, सबके पास मैक्सिमम स्कूटी थी, और कहीं ना कहीं सभी में दिक्कत आई। कोई क्रैश कर रहा था, किसी का कूलेंट का जो फैन था वो टूट गया, वैसे तो बताने में कोई दिक्कत नहीं आया। जब गाइस हम स्कूटी से लॉन्ग राइड करते हैं ना कहीं मुश्किल होता है, आप लोगों को मैं बता दूं कैसे मुश्किल होता है। आप लोगों को पता भाई स्कूटी में ना छोटे छोटे टायर होते हैं, प्लस उसकी एक स्पीड लिमिट होती है, हीटिंग का भी थोड़ा जल्दी जल्दी इशू आता है। बाइक के मुकाबले अगर कंपेयर करोगे ना, आप स्कूटी को नॉन स्टॉप कम चला सकते हो। लाइक आप चला लोगे, मान लो अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए हम खींच लेते हैं कम से कम 80 भी खींच लेते हैं, 90 खींच लेते हैं, 100 भी खींच लेते हैं, बट यही गर्मी में ना जल्दी जल्दी हीट होगा स्कूटी। इसी राइड में गाइस हमारे पास अगर बाइक होती ना स्कूटी के मुकाबले, तो हम और ज़्यादा गाड़ी को भाई चला पाते नॉन स्टॉप बिना रुके। यस भाई, क्योंकि बाइक थोड़ी और ज़्यादा चलती है स्कूटी के मुकाबले, जल्दी गर्म भी नहीं होगा, प्लस जो अपनी स्पीड होती है ना राइड की, जो भी हमारी स्पीड थी भाई, हमारी थी 80-85, वो भी बहुत ही मुश्किल से, उसको बैलेंस करना मुश्किल होता था, जब गड्ढे आते ना सारा अनबैलेंस, प्लस ब्रेकिंग भी कमज़ोर थी अपनी, क्योंकि हम उसको टॉप टॉप खींच रहे थे। तो हमारे को इसलिए ज़्यादा टाइम लगा भाई जयपुर वाले राइड पे, कि अपने को भाई 12-12, 13-13 घंटे लगे। टूरिंग के लिए पर्पज से एक बाइक होती है आपके पास, तो भाई आपको कम टाइम लगता, इससे अच्छा खासा आप स्पीड मैनेज कर पाते, प्लस जो आपकी ब्रेकिंग एफिशिएंसी होती है अभी बढ़ जाती है। तो सारी चीज़ें मुझे भाई नोटिस हुआ इस संडे राइड पे, कि यस भाई बाइक होना थोड़ा ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि गाइस एंटॉक्स अपने बता समय टूरिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन भाई आपके पास ना थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए, ये नहीं कि आपको घर जल्दी पहुँचना है। इस वाले ट्रिप हमारे जयपुर वाले पे क्या सीन हो गया, तो भाई हमें घर जल्दी जाना था, और हमारे से भाई स्कूटी हम खींच रहे थे, जब भी भाई स्कूटी जो डिस्टेंस था बहुत ही कम, धीरे 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 कवर कर रहा था। दैट्स वाई कि भाई हमें सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, और हम घर पहुँचे सीधा जयपुर से भाई 10:30। ये नहीं है कि हमने स्लो चलाया, भगाया अच्छा भगाया, लेकिन वही है भाई स्कूटी है 85 से ऊपर हम जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस 85 का मतलब मेरा गाइस हमने काफ़ी अच्छा खासा उसको थ्रॉटल को दे के रखा था, इंजन काफ़ी स्ट्रेस में था उसमें भी। ऐसे एक प्लस पॉइंट भी एंटॉक का कि भाई उतने स्पीड में भी गाड़ी ने कहीं भी अनबैलेंस नहीं किया, प्लस जो अपना हीटिंग का था इशू वो भी नहीं आया। रेड लाइट बहुत है यार इधर, कोई नहीं रुकते, सिर्फ 20 सेकंड है। तो वैसे एक प्रॉब्लम और भी था स्कूटी से, हम गए थे बेताल पे, तो भाई उसका टैंक है 5.8 लीटर का, तो हमें टाइम टाइम पे भाई फ्यूल अप लेना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं जैसे हम थोड़ी देर गाड़ी चलाया 200-250 किलोमीटर, अपना गाड़ी भाई जल्दी जल्दी रिजर्व में लग जाता, और जो जयपुर में साथ हुआ भाई अपने को कहीं भी भाई पेट्रोल पम्प जल्दी नहीं मिल रहा था। एक पॉइंट ये भी है कि भाई उसका टैंक छोटा है, और जहाँ आपको भाई 250-300 किलोमीटर तक अगर पेट्रोल पम्प नहीं मिला, तो आपकी गाड़ी गाइस बंद हो गई, क्योंकि उसका रेंज ही 250 किलोमीटर मैक्स है, 250 से लेकर 270 में आपका गाड़ी बंद होने वाला है। बट अगर यही बाइक होगी आपके पास, तो भाई वो थोड़ा और ज़्यादा लंबा किलोमीटर चल पाता है। तो ये सारी चीज़ें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई स्कूटी ख़राब है, कोई भी ख़राब नहीं है, ख़राब होता तो मैं चला नहीं रहा था, सिंपल सी बात है। बेताल में इतना पावर है कि पूछो मत,
भाई 6 के 6 गियर लगा दिए थे क्या मैंने? ऐसे जा रहा है। ओह माय गॉड। तो भाई यस बाइक में फील है गाइस, फील है इसको चलाने में। बस अभी वो बोलोगे तो भाई मैं बाइक रेगुलर नहीं चलाता हूँ ना, तो उतना इसको ब्रेकिंग करने का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आता जितना मुझे बेताल में है ना, उतना बाइक में नहीं है। बट ठीक है, अगर रेगुलर इसको भी राइड करेंगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखो भाई टीवी टावर बिल्कुल धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि भैया सुबह सुबह फॉग है और मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे, लेकिन चलेगा। जैकेट प्लस मैंने ले मफलर लगा रखा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है मुझे। और आप लोग सोच रहे हो भाई एकदम से हमने कैसे एंटोक छोड़ के भाई अपनी बेताल को छोड़ के यहाँ पे मॉन्स्टर निकाल ली। तो भाई जैसा कि पता कि आपको भाई अपना जो एंटोक की सर्विस आ गई थी जयपुर में, तो उसकी सर्विस पेंडिंग है, इसलिए मैं उसको चला नहीं रहा। दैट्स व्हाई कि मुझे बाइक निकालनी पड़ी, और इसके वजह लेंगे आज। ऐसा लग रहा है पार हो जाएगा मेरे हाथ से। मॉन्स्टर है भाई सच्ची में, माय गॉड। अभी तक मैंने इसको लास्ट खींचा गाइस हाईवे पे 138, इससे ऊपर नहीं खींचा। 138 में एक बार थोड़ा सा बबलिंग कर गई थी, और प्लस मैंने 138 एक बार फिल्म के साथ ही भगाया था इसको मैंने, तो गाड़ी को भागती है 155 आराम से 50 क्रॉस कर जाएगा भगाने पे। BS6 मॉडल क्योंकि गाइस BS4 मॉडल है भाई, पावर इसके अंदर जितने भी मिलेंगे आपको रॉ पावर मिलने वाला पुराने वाले, तो इसका पंच ही अलग है, नए वाले में आपको फील नहीं आ रहा है। हमने भाई फॉग देखो, फॉग कितना है। तो गाइस इसका साउंड सुनो आप, कितना साउंड करो ब्रूटल देखो भाई साहब, मस्त आवाज कर रही है भाई ये। अब सुनना आप लोग देखो, तो गाइस आज थर्सडे मेरा होता है, वीक ऑफ तो हो सकता है भाई संडे राइड जो ये वाला करेंगे, क्योंकि हमारा जयपुर वाला राइड भाई कंप्लीट हो चुका है। होप आपको जयपुर वाला राइड भाई पसंद आया होगा, कमेंट कर सकते हो भाई। आपको जितने भी सीरीज थे मेरे हिसाब से 7 सीरीज मैंने डाले, 7 पार्ट डाले उसके जयपुर के सारे आपको पसंद आए होंगे। आप लोग कमेंट कर देना भाई आपको जयपुर वाला राइड कैसा लगा। तो हो सकता है कि भाई हम इस संडे राइड में ना गाइस अपनी NS200 को संडे राइड पर लेकर आए यहाँ पे। बताल की सर्विस पेंडिंग है, तो पेंडिंग जैसी भाई सर्विस उसका हो जाएगा देन वापस से भाई बताल को लेकर आएंगे। जब तक गाइस आप लोग भाई मॉन्स्टर को एंजॉय करो, इसके पावर को एंजॉय करो भाई, बाइक का फील लो आप लोग भी। चेंज कर करके भाई चलाना चाहिए, जब अपने पास दोनों गाड़ी है तो भाई क्यों ना हम दोनों को चलाए, क्या बोलते हो? इस संडे राइड में गाइस आने वाले में बूम बूम होने वाला अपनी बाइक से, तो आप लोग वेट करना संडे राइड का। वहाँ पर काफ़ी अच्छे रोड है, अभी तो मैं सिर्फ अंदर ही अंदर चला रहा हूँ उधर लेके, बट फिर गाइस मज़ा आ रहा है। वीडियो को भाई यहीं पे एंड कर देते हो, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे गाइस आप लोग नया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करो। मिलता किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चलो।